Now actress and adult content creator Sherlin Chopra too has reacted to Richard's Galwan tweet. देखिए मनोरंजन की अपनी एक जगह होती है देश की गरिमा से बढ़कर कोई मनोरंजन नहीं होता है और खास तौर पर भारतीय सेना की गरिमा से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है हम देशवासियों के लिए कल रिचा चड्डा ने जो किया जो ट्वीट पोस्ट किया वो बहुत ही शर्मनाक था 15 जून 2020 में गालवान की घाटी में क्या हुआ हम सब जानते हैं हमारे 20 सैनिक शहीद हुए उन शहीद जवानों का कल रिचा चड्डा ने मज़ाक उड़ाया इसके लिए वो माफ़ी पाने की हकदार भी नहीं हैं और झूठ मूठ का वो एक ट्वीट अपलोड करके कहती हैं कि जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ लेकिन नहीं उस ट्वीट में रिमोर्स बिल्कुल नहीं था यानी वो अपने किए पर पछतावा महसूस नहीं कर रही थी झूठ मूठ का वो दिखावा कर रही थी तो मुझे लगता है हम सबको आगे चलकर कर रिचा चड्डा को बॉयकॉट करना चाहिए उन तमाम कलाकारों को बॉयकॉट करना चाहिए जो देश के प्रति प्रेम नहीं दिखा सकते हैं जो देश का मान सम्मान नहीं कर सकते हैं और खास तौर पर वो लोग जो ये सोचते हैं कि देश की सेना देश की सेना उनके जेब में होती है वो जब चाहे देश की आ, आ, सेना का मजाक उड़ा सकते हैं बिल्कुल नहीं क्या कभी उन्होंने देश के लिए अपना लहू बहाया बिल्कुल नहीं वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद के लिए जीते हैं कैमरा के सामने आते हैं नौटंकी करते हैं विज्ञापन करते हैं पैसा कमाते हैं देश के लिए कभी कुछ किया इन लोगों ने और जो लोग खून पसीना बहा रहे हैं देश के लिए ये लोग उनका मजाक उड़ाते हैं उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की हिम्मत हम देते हैं उन्हें लेकिन आगे चलकर अगर हम उनकी फिल्में बॉयकॉट करें उनकी फिल्मों को बहिष्कार करें तब उन्हें समझ में आएगा कि इस तरह की गलती अगर वो दोबारा करेंगे तो उनका क्या हश्र किया जाएगा सब्सक्राइब टू आर चैनल जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स